देखिए जो भी प्रिंट पेपर के ऊपर था, पेपर की हालत आप देख रहे हैं, एकदम पेपर के ऊपर से सारे कलर्स जो हैं निकल चुके हैं एकदम, और कलर्स जहाँ जाने थे वहाँ जा चुके हैं। इस तरीके से पूरी प्रिंटिंग इसके ऊपर, और ये जो प्रिंटिंग हमने अभी जस्ट अभी आपके सामने इस वीडियो में करी है, इस तरीके से ये फ्रेम पूरा रेडी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि गोस्वामी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ डिट्टो बॉस में। सो गाइस, आज हम आपको करके दिखाने वाले हैं प्रिंटिंग, वो भी पत्थर के ऊपर विद 5-in-1 मशीन। यानी कि अगर आपके पास 5-in-1 मशीन या कोई भी फ्लैट मशीन जैसे कि 15x15 या 16x24 मशीन है, तो आप उस पत्थर को यानी कि अपने पास प्रिंट कर सकते हो। और कैसे प्रिंट करना है, कैसे डिजाइन सेट करना है, वो भी आपको हम शेयर करेंगे। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में कुछ फ्रेम्स देख रहे हैं जो मैंने अभी यहाँ पे एक शेप के रखे हुए, आप मल्टीपल शेप्स के फ्रेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फोटो के आपको टेम्पलेट, सॉरी फ्रेम्स के आपको टेम्पलेट डिजाइन, अगर आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको प्रिंट करना है, कैसे टेम्परेचर सेट करना है, कैसे प्रिंट करके सेटिंग करके कंप्लीट करना है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से रॉक फ्रेम आपको मिलने वाला है। रॉक फ्रेम के ऊपर जो प्रिंटिंग का पेपर होता है उसको हमें फिक्स करना है रॉक फ्रेम के ऊपर। इस तरीके से सब्लिमेशन टेप की हेल्प से हमें रॉक फ्रेम के ऊपर अपना जो प्रिंट हमने निकाला होगा हम उसको सेट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ताकि जब प्रिंटिंग के लिए लगाएं तो वो प्रिंट हमारा जो है उस पर से रिमूव ना हो। सेट करने के बाद हम इसको मशीन के ऊपर रख देंगे। और जैसा कि हम मग्स वगैरह प्रिंट करते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन जाता है, तो ये भी सेरामिक होती है प्लेट, जो स्टोन होती है, पत्थर होता है, तो इससे भी हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन यहाँ पे जाएगा, जो कि हमने 180-40 सेकेंड कर रखा है, इतने में हमें प्रिंट करना है। अभी जैसे हमने इसके ऊपर प्रेस किया है थोड़ा सा टेम्परेचर अभी डाउन जाने लग जाएगा, तो उसमें घबराना नहीं है, ना तो मशीन में कुछ है ना ही रॉक फ्रेम में कोई प्रॉब्लम है। जस्ट थोड़ा सा टेम्परेचर जब 180 दोबारा हमारा हो जाएगा तो हम 40 सेकेंड के लिए इसको छोड़ देंगे। देखिए जैसे टेम्परेचर हमारा 180 सेट हो रखा था, अब ये डाउन होने लग गया है। जैसे जैसे डाउन होगा एंड मोमेंट तक, जहाँ तक डाउन होगा फिर अपने आप ही इंक्रीज स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारे मग मशीन में मग प्रिंटिंग करते टाइम पे होता है। ये हमारा 157 पर टेम्परेचर हमारा यहाँ पे स्टॉप हो गया, अब यहाँ से ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, 158 हो गया। इस तरीके से ये दोबारा जहाँ के हमने सेट किया था इसको 180 पे, तो ये 180 पे दोबारा चला जाएगा और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे जस्ट 40 सेकेंड के लिए फॉर अपने रॉक फ्रेम को प्रिंट करने के लिए। तो वेट करते हैं 180 तक जाने का। और ये हमारा 180 टेम्परेचर दोबारा से सेट हो गया है, और अब ये दोबारा हम जो यहाँ पे अपना काउंट डाउन है स्टार्ट कर देंगे 40 सेकेंड के लिए। 40 सेकेंड में हमारा अब जो रॉक फ्रेम है यहाँ पे आपका हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा। ये आपको अलग अलग शेप्स में अवेलेबल मिलेंगे, इस तरीके से प्रिंटिंग आती है इन पे, अलग अलग शेप है, हार्ड है और साइजेस हैं अलग अलग आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से क्वालिटी आती है। एकदम पत्थर के ऊपर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, सब्लिमेशन मशीन के साथ ही आप अपने प्रिंट कर रहे हैं, और वही सेम प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं जो आप नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, उसी के साथ ये प्रिंटिंग आप कर रहे हैं। लाइफ टाइम प्रिंट है, आप इजिली इसको प्रिंट कर सकते हैं अपनी 5-in-1 मशीन के साथ, 15x15 मशीन के साथ, या 16x24 में आपके पास मशीन है, फ्लैट मशीन जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जस्ट लास्ट हमारे 5 सेकेंड बचे हैं, 4 बंद कर देंगे, और जब आप इसको उठाएंगे तो याद रखें कि रॉक है, मतलब पत्थर है जिसके ऊपर प्रिंटिंग हुई है, तो ये थोड़ा सा हीट होता है, सो बहुत केयरफुली आप इस पे से रिमूव करें। साइड से हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं प्रिंटिंग का। देखिए प्रिंट हमारा निकल चुका है, हम इसको थोड़ा सा रिमूव आपको करके दिखाते हैं। देखिए जो भी प्रिंट पेपर के ऊपर था, पेपर की हालत आप देख रहे हैं, एकदम पेपर के ऊपर से सारे कलर्स जो हैं निकल चुके हैं एकदम, और कलर्स जहाँ जाने थे वहाँ जा चुके हैं। इस तरीके से पूरी प्रिंटिंग इसके ऊपर, और ये जो प्रिंटिंग हमने अभी जस्ट अभी आपके सामने इस वीडियो में करी है, इस तरीके से ये फ्रेम पूरा रेडी होता है। प्रिंटिंग पूरी पे उसके ऊपर जा चुकी है आपकी रॉक फ्रेम के ऊपर, जैसे टाइल्स वगैरह आप प्रिंट कर ले, आपने पत्थर प्रिंट किया है, जिस रॉक फ्रेम इसको कहते हैं, अलग अलग शेप्स में आपको मिलेगा, इजी है बहुत ज़्यादा प्रिंट करना, आप इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस, देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस रॉक फ्रेम यानी कि पत्थर के ऊपर प्रिंटिंग करी है। ये आपको अलग अलग शेप्स में अवेलेबल मिलेगा, कैटलॉग आप रिसीव कर सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे। इनके साइज के टेम्पलेट की बात करूं तो आपको वो भी अवेलेबल मिल जाएंगे, सिर्फ आपको प्रिंट को सेट करके निकालना है, और जैसे अभी हमने आपको प्रिंटिंग सेट करके दिखाई है वैसे ही आपको प्रिंटिंग करनी है।
इस तरीके से स्टैंड आपको मिलेगा और आप यहाँ पे इस तरीके से इसको फिल आउट मतलब स्टैंड कर सकते हैं और बहुत अच्छा आइटम है और डेली बेसिस पे गिफ्टिंग आइटम में यूज होने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए किसी और प्रोडक्ट्स के लिए रिलेटेड जिसके हम प्रिंटिंग करके आपको दिखाएं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।